डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ उन सभी आपदाओं से प्रभावित लोगों को समर्पित है जिन्होंने केदारनाथ त्रासदी को झेला पर हार नहीं मानी और फिर उठकर खड़े हुए। केदारनाथ आपदा में अपने प्राण गंवाने वाली दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए इसी पुस्तक की कहानी जिंदा हूँ किसी और के लिए का सारांश प्रस्तुत है। बाबा केदार की कृपा से रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ था सेठ सुखराम के पास। महाराष्ट्र में अच्छा खासा बिजनेस, 3 बच्चे, नाती पोते और प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों में नाम। भगवान केदारनाथ पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। 15 वर्ष पूर्व बद्री केदार की यात्रा के बाद ही ये नए व्यवसाय की प्रगति को वे भगवान केदारनाथ का प्रसाद ही मानते थे। तब से हर साल वे बद्री केदार के दर्शन के लिए जरूर आते। जून 2013 को वे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे और दर्शन करने के बाद धर्मशाला में ही रुक गए। सुबह उन्हें लौटना था किंतु घाटी में बादल घिरे होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवाएं नहीं चली। मौसम ने धीरे धीरे करवट बदली और बूंदाबांदी से शुरू हुई बारिश अतिवृष्टि में बदलने लगी। लगातार 2 दिनों तक वर्षा थमी नहीं। वर्षा की प्रचंड वेग की परवाह किए बगैर वे छाता लेकर भगवान की अर्चना और जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे। तभी कोई भीषण विस्फोट जैसी आवाज हुई, लगा जैसे कोई तोप का गोला फट गया हो। पूरे मंदिर परिसर में एक कंपन जैसा उत्पन्न हुआ। ऊपर पहाड़ी की ओर नजर गई तो होश उड़ गए। मंदाकिनी नदी में पानी का भारी सैलाब तेजी से मंदिर की ओर भारी गर्जन के साथ बढ़ता आ रहा था। पूरे परिसर में भगदड़ मच गई और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सेठ सुखराम के साथ साथ लगभग 100-150 लोग मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर के अंदर भी पानी और मलबा घुस आया। पानी गले गले तक आने पर उनका दम घुटने लगा। ऐसा लगा कि अब वे पानी में ही डूब जाएंगे। उन्होंने गर्भगृह की छत से मोटी लोहे की जंजीर से बंधे घंटे को जोर से पकड़ लिया। न जाने कितने घंटे वो इसी तरह झूलते रहे, उन्हें भी मालूम नहीं। दिन ढलते ढलते पानी भी कम होता चला गया। गर्भगृह के अंदर कीचड़ में फंसे कई लोग लाशों में तब्दील हो चुके थे। वहां जमा सारे लोग सत्ते में थे, मानो सब काट के हो गए हों। अमीर गरीब, रुपए पैसे और छोटे बड़े की सारी दीवारें नदी का वेग बहा ले गया था। सेठ सुखराम को लगा कि वे किसी दूसरे लोक में तो नहीं पहुंच गए। मैं जिंदा हूं या मुर्दा, ये जांचने के लिए उन्होंने पैर में जोर से चिकोटी काटी तो पानी में सुन हो चुके बदन में पीड़ा की लहर दौड़ गई। सुबह होने पर सब मंदिर से बाहर निकले। सारा परिसर लाशों से ढका था और चारों तरफ हाहाकार और चित्कार की गूंज थी। उनकी धर्मशाला समेत पूरा बाजार नदी में बह चुका था। वे खुद को संभाल नहीं पाए और बेहोश हो गए। होश आया तो खुद को देहरादून के एक नर्सिंग होम में पाया। दोनों बेटे और बहुएं सामने थे। बड़ा बेटा भावुक होकर बोला, पिताजी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप कुशल हैं। मैं हेलीकॉप्टर बुक करके लाया हूँ, चलो मुंबई में ही आपका इलाज करवाएंगे। पर सेठ सुखराम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रे, मुझे अब कहीं नहीं जाना, यही पीड़ितों और दीन दुखियों की सेवा में जीवन गुजारना है। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे जीवित रखा है।